So welcome back to this channel IBMI classes and I'm going to record this video in Hindi. So let's start. तो इस वीडियो में हम डेटा मैपिंग एरर पर डिस्कशन करेंगे. तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से डेटा मैपिंग एरर को रिक्रिएट कर सकते हैं और उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से करेंगे. तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा सिनेरियो है वो इस तरीके से है. हमारे पास एक फाइल है जिसमें एक फील्ड है जिसमें नल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, मतलब वो नल कैपेबल फील्ड है, राइट. तो अब अगर उसमें नल वैल्यू जब हम अपने प्रोग्राम में रीड करेंगे और वो नल वैल्यू रीड होगी तो हमें डेटा मैपिंग एरर मिलेगी. तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट. तो इसका डेमो हम देखते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई है case27pf, जिसमें हम देख सकते हैं हमने तीन फील्ड्स लिए हैं, ID1, name1, age, जो कि 10 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर और 2P0 लेंथ की है, मींस न्यूमरिक की है. और न्यूमरिक फील्ड जो एज है उसके साथ हमने अलाउ नल कीवर्ड यूज़ किया है. अलाउ नल कीवर्ड का मतलब हुआ कि अगर मैंने इस फील्ड में कोई वैल्यू नहीं दी इंसर्ट करते समय तो यहाँ पर नल वैल्यू इंसर्ट होगी, और अगर इसमें नहीं दी तो यहाँ पर नॉट नल विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मीन्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैरेक्टर की क्या होगी, ब्लैंक. और अगर यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू न्यूमरिक फील्ड होती तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती ज़ीरो, इंसर्ट होती, राइट. तो सबसे पहली हमारी ये फाइल है जिसको हम कंपाइल कर लेते हैं, राइट. ये फाइल कंपाइल हो चुकी है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहला डेटा इसमें इंसर्ट करता हूँ, case27pf, ID1, नेम अमित एंड एज इज लाइक 20, और मैं इसको चेक कर लेता हूँ रंग क्वेरी करके case27pf. तो मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया जिसमें कोई नल वैल्यू नहीं है अभी, राइट. तो अब मैं इसको पहला, ये मेरा प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है जिसमें मैंने इस फाइल को एफ स्पेक्स में डिफाइन किया है, और मैं इसको इनपुट प्राइमरी मोड में मैंने इसको डिफाइन किया है. और जब प्राइमरी मोड में डिफाइन कर दिया तो मुझे इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रीड होगी. और जब इसके रिकॉर्ड्स एंड हो जाएंगे, एंड ऑफ रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगी, तब ये अपने आप प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पर हम इन फील्ड्स ID1, name1, age जो उस फाइल में थे उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं बिना किसी वेरिएबल में लिए. तो पहली बार में अगर हम इस प्रोग्राम को सिंपल कंपाइल करें 14 ऑप्शन के साथ, और मैं इसको यहाँ से कॉल करूँ कॉल case27, तो मैं अपना आउटपुट देख सकता हूँ जो कि मुझे करेक्ट आउटपुट मिल रहा है 1 अमित 20. मुझे कोई एरर, डेटा मैपिंग एरर अभी तक नहीं आई है. पर डेटा मैपिंग एरर आएगी कब? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ये वैल्यू इंसर्ट करा दी. इंसर्ट करते समय सिर्फ मैंने एक फील्ड सेलेक्ट की, यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू दी जो कि कैरेक्टर थी 1, और मैंने दो फील्ड्स में कोई वैल्यू नहीं दी. तो अब अगर मैं यहाँ पर डेटा देखूँगा तो मुझे यहाँ पर दिख सकता है कि पहली फील्ड में मेरा करेक्ट डेटा है जिसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, दूसरी फील्ड में मेरा इसमें ब्लैंक वैल्यू क्योंकि हमने वैल्यू नहीं दी थी, बट ये नॉट नल डिफ़ॉल्ट ब्लैंक के साथ इंसर्ट होगी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर मैंने अलाउ नल कीवर्ड इस फील्ड के साथ नहीं एसोसिएट किया है, बट मैंने इस एज कीवर्ड एज फील्ड के साथ मैंने अलाउ नल कीवर्ड एसोसिएट किया था मेरी फिजिकल फाइल के सोर्स में, और फिर उसी के साथ मैंने उसको कंपाइल किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नल वैल्यू डैश के साथ डिनोट हो रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर हमारे दो रिकॉर्ड हो चुके हैं, और ये अब हम इसमें अपने इस प्रोग्राम को फाइनली कॉल करते हैं कॉल case27. तो पहला रिकॉर्ड हमारा रीड हो चुका है और उसमें मुझे करेक्ट वैल्यू दिख रही है, बट जैसे ही मैंने दूसरे रिकॉर्ड को जब फाइल के दूसरे रिकॉर्ड को रीड किया प्रोग्राम ने, तब मुझे एक एरर आ गया, इनपुट आउटपुट एरर, CPF5029 वॉज डिटेक्टेड इन फाइल. तो ये तो इनपुट आउटपुट एरर थी मींस रीडिंग के दौरान, पर बेसिकली एरर क्या है, जस्ट टेक F1 हेयर, जस्ट टेक F10 हेयर एंड जस्ट टेक शिफ्ट F6 हेयर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा मैपिंग एरर ऑन मेंबर दिस, राइट.
डेटा मैपिंग एरर ऑन मेंबर दिस वेयर, अब यहाँ पर हम इस पर F1 लेंगे डेटा मैपिंग एरर पर आके कर्सर लाकर अपना, और हम यहाँ पर देख सकते हैं CPF 5035 जो डिनोट करता है कि आपके प्रोग्राम में डेटा मैपिंग एरर आई है। तो डेटा मैपिंग एरर ऑन मेंबर दिस मतलब फाइल का भी नाम यही है, केस 27PF मेंबर का भी नाम है उसके। डेटा मैपिंग एरर अकर्ड ऑन फाइल दिस ऑन फील्ड दिस, तो जिस फील्ड में मैंने अलाउ नल कीवर्ड यूज़ किया था एज फील्ड में, उसके रिकॉर्ड नंबर 2 मतलब RRN नंबर 2 पर जिसमें नल वैल्यू है, पहले रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड फॉर्मेट ये है जिसका मेंबर नंबर ये है, इसमें मुझे एरर आ रही है विद एरर कोड 19। तो ये नीचे मुझे एरर कोड दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा 19 है, इसमें नहीं लाइक करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एरर कोड 1 के साथ है, देयर इज़ अ डेटा इन अ डेसिमल फील्ड दैट इज़ नॉट वैलिड, मतलब कि डेसिमल फील्ड में एक वैल्यू डेटा है जो वैलिड नहीं है। और यहाँ पर हम अगर देखें और हम और नीचे जाएं, हमें 19 कोड के साथ दिखेगा एन अनएक्सपेक्टेड नल फील्ड वॉज फाउंड, मीन्स ऐसी फील्ड मिली है जिसमें जो कि नल फील्ड है उसमें नल वैल्यू भी, अगर नल फील्ड होती और नल वैल्यू नहीं होती उसमें तो हमें ये एरर ना आती एक बार, क्योंकि रीडिंग के टाइम पे रन टाइम पर रीड करते समय फाइल को ये एरर आती है इनकेस अगर उसमें नल फील्ड के नल कैपेबल फील्ड में नल वैल्यू मिल गई तो, अगर नहीं मिली तो ये एरर नहीं मिलेगी, बट अगर नल कैपेबल फील्ड है तो उसमें इस एरर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पर नल वैल्यूज हमारी फाइल फील्ड में हो सकती है, राइट। और अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारी ये एरर आई, इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे जस्ट। अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारी ये नल डेटा मैपिंग एरर आ गई ड्यू टू नल वैल्यू इन दैट फील्ड, नल वैल्यू नल कैपेबल फील्ड में जो कि एज है, राइट। अगर आप यहाँ पर इंक्वायरी भी करेंगे तो आपको इंक्वायरी करिए ये आपको दिख सकता है कि ये नल वैल्यू है रिकॉर्ड नंबर 2 में, रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर 2 RN में आपको एज फील्ड में ये मिल रही है, राइट। जस्ट टू वर्क मेंबर PDM अगेन। तो अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड अवेलेबल है MyRPG प्रोग्राम में, अलाउ नल कीवर्ड, राइट, जिसके साथ हम ऑप्शंस दे सकते हैं, वेरियस ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम स्टार यूजर कंट्रोल ऑप्शन के साथ हम पास करेंगे, अगर हम अपने एच स्पेक्स में हेडर कंट्रोल स्पेक्स में अगर हेडर स्पेक्स में अगर हम ये कीवर्ड दे दें अलाउ नल स्टार यूजर कंट्रोल ऑप्शन के साथ, और जितना हमारा कोड है वो सेम है, हमारी फाइल रीड हो रही है और हम डिस्प्ले करा रहे हैं सिंपल, उस कोड में अगर हम इस लाइन को इंक्लूड कर दें तो अब हमें कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी किसी कोई भी फील्ड फॉर एग्जांपल 10 फील्ड है, 10 में से 5 फील्ड भी नल कैपेबल हैं और 5 में से 3 फील्डों में नल वैल्यू है, मुझे नहीं मतलब है किन फील्ड में वैल्यू है किन में नहीं है, कौन सी फील्ड नल कैपेबल है, ये कीवर्ड मेरी फाइल की उन एरर्स को इग्नोर करेगा, डेटा मैपिंग एरर को नल वैल्यू को इग्नोर करेगा, और रीड करते समय उनको अगर नल वैल्यू है तो अगर न्यूमरिक है तो उसको जीरो की तरीके ट्रीट करेगा, और अगर फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है तो उसको ब्लैंक की तरीके ट्रीट करेगा, राइट। अब मैं इसको कंपाइल कर दूँ इस प्रोग्राम को, जस्ट आई एम कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब मैं इसको कॉल करता हूँ क्योंकि इसमें नल वैल्यू है, कॉल केस 27 नॉट 27 आई विल बी गेटिंग एरर, दिस इज केस 27A, राइट, सो आई एम जस्ट कॉलिंग केस 27A 1 अमित 21 रीडिंग द सेकेंड रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू आई है क्योंकि नेम फील्ड के लिए ब्लैंक वैल्यू डिफॉल्ट गई थी, नॉट नल डिफॉल्ट गई थी ब्लैंक, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जीरो है जो कि एज वैल्यू है क्योंकि हमने ये कीवर्ड यूज़ किया है अलाउ नल स्टार यूज़र कंट्रोल ऑप्शन के साथ अपने एच स्पेक्स में अपने RPGLE प्रोग्राम में, तो वो क्या कर रहा है वो न्यूमरिक फील्ड है तो इसलिए उसको जीरो की तरीके ट्रीट कर रहा है, इनकेस अगर वो कैरेक्टर होती तो उसको ब्लैंक की तरीके ट्रीट करता, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने डेटा मैपिंग एरर को रिजॉल्व कर लिया है जो कि हमारी नल वैल्यूज़ की वजह से आ रही थी, नल वैल्यूज़ हमारी फील्ड में है तो आ रही थी,
रीडिंग उस फाइल को रीड करते समय, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। एक और तरीका है, आप अगर एच स्पेक्स में इसको नहीं मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे इस कीवर्ड को, इन कीवर्ड्स को, ये जो कीवर्ड आपने मेंशन किया है अलाउ नल स्टार यूजर कंट्रोल, आप एच स्पेक्स में नहीं मेंशन करना चाहते हैं 27A प्रोग्राम में, तो आप उसी प्रोग्राम में केस 27 में जस्ट सी कि यहाँ पर मैंने एच स्पेक्स में कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा 14 ऑप्शन के साथ F10। जब मैं इस RPG के लिए ऑप्शन को कंपाइल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पेज डाउन करूँगा एक बार, और इसके बाद दूसरी बार पेज डाउन करूँगा तो मैं यहाँ पर अलाउ नल वैल्यूज़ देख सकता हूँ। कंपाइलिंग ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं ये पॉसिबल वैल्यू दे सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो स्टार इनपुट ओनली यूज़र कंट्रोल स्टार यस यहीं से प्रोवाइड करा सकता हूँ ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो इस तरीके से मुझे वहाँ पे मेंशन करने की एच स्पेक्स में ज़रूरत नहीं है, बट मैं प्रिफर करूँगा कि हम एच स्पेक्स में डिफाइन करें ताकि हम कंपाइल करते समय अगर माइंड से स्किप हो जाए इसको, यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना स्टार यस स्टार यूज़र कंट्रोल या स्टार इनपुट ओनली, तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर हम इसको स्टार यस यहाँ से सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और फिर हम अपने इसी प्रोग्राम को केस 27A को ना कॉल करके केस 27 को कॉल करें जिसमें इशू आ रहा था डेटा मैपिंग एरर। अब हम देखें पहला रिकॉर्ड रीड हो रहा है 1 Amit 20, दूसरा रिकॉर्ड हो रहा है 1 Blank एंड दिस इज ट्रीटेड एज 0। तो हम देख सकते हैं कि सेम वर्क हो रहा है। तो आइदर हम एच स्पेक्स में डिफाइन कर दें या कंपाइलिंग ऑप्शन में हम दे दें RPGD प्रोग्राम, राइट। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हम किस तरह से डेटा मैपिंग एरर रिक्रिएट कर सकते हैं इन केस अगर हमारी फाइल फील्ड में नल वैल्यू है तो, और उनको रिजॉल्व कैसे करना है, मींस उस नल वैल्यूज़ को हमें रीड कैसे करना है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर ना आए, और फिर चाहे किसी भी फील्ड में नल वैल्यूज़ क्यों ना हो फाइल की। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।